जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। इस्लाम के आने से पहले अरब क्षेत्र में कौन से लोग रहते थे, कौन सी सभ्यताएं थी और वहाँ कौन से धर्म का पालन किया जाता था, कौन से देवी देवता थे, इस तरह के सवाल अक्सर सभी के मन में आते रहते हैं। संसार की दूसरी सभ्यताओं के बारे में तो बहुत कुछ इतिहास में मिल जाता है, लेकिन अरब क्षेत्र के बारे में, इस्लाम से पहले की दुनिया के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इसी बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल और सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। सबसे पहले तो सवाल यह है कि अरब कौन लोग हैं। अरब एक सांस्कृतिक और भाषाई शब्द है या उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जो अरब क्षेत्र में सदियों से रहते हैं और अरबी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। अरब दुनिया में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के 22 देश शामिल हैं। अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस द्वीप, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, मोरटानिया, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनिशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ईरान और तुर्की अरब देश नहीं हैं क्योंकि उनकी प्राथमिक भाषाएं क्रमशः फारसी और तुर्की हैं। अरब देशों में जातीय, भाषाई और धार्मिक समुदायों की समृद्ध विविधता है। इनमें कुर्द, अर्मेनियाई, बर्बर और अन्य शामिल हैं। इस्लाम के उदय से पहले अरब प्रायद्वीप पर खानाबदोश बेडोइन जनजातियों का प्रभुत्व था, जो कि बहुदेववाद, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और ईरानी यानी पारसी धर्म का पालन करते थे। इस्लाम पूर्व अरब का तात्पर्य 620 ईस्वी के दशक में इस्लाम के उदय से पहले के अरब प्रायद्वीप के लोगों से है। तब अरब में बहुदेववाद प्रचलित में था, यानी अधिक देवता पूजे जाते थे। देवताओं और जिन्न जैसे अलौकिक प्राणियों पर भी विश्वास लोग करते थे। स्थानीय देवस्थलों जैसे मक्का में काबा में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि काबा क्षेत्र में 360 तक मूर्तियां थीं। इस्लाम पूर्व अरब प्रायद्वीप में कुछ सभ्यताएं पनपी। इन सभ्यताओं के स्रोत और पुरातात्विक उपसाक्ष्य अब उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अरब के बाहर लिखे गए विवरण और अरब मौलिक परंपराओं तक इनके संदर्भ मिलते हैं, जिन्हें बाद में इस्लामी विद्वानों ने दर्ज किया था। सबसे प्रमुख सभ्यताओं में थमूद थी, जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में पैदा हुई थी और लगभग 300 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। इसी तरह क्षेत्र में दिलमुन सभ्यता 4वीं शताब्दी के अंत में उत्पन्न हुई और लगभग 600 ईसा पूर्व तक चलती रही। इसके अलावा पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत से दक्षिणी अरब में सबाइन साम्राज्य और पूर्वी अरब के तटीय क्षेत्रों पर 300 ईसा पूर्व से ईरानी, पर्थियन और ससानियों का नियंत्रण था। यदि इराक में केंद्रित मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को छोड़ दिया जाए तो अरबी प्रायद्वीप में सबसे पहली मानव संस्कृति 2500 ईसा पूर्व के आसपास उम अन्नार संस्कृति बताई जाती है। यह उत्तरी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के इलाके में लगभग 500 सालों तक चली। इसके बाद यहाँ कई राज्य उभरे। तब अरब में अल्लाह के साथ साथ उनकी तीन बेटियों की भी पूजा होती थी। इस्लाम से पहले के अरब के मुख्य देवता हुबल थे, जो चंद्रमा के सीरियाई देवता थे। हुबल की तीन बेटियाँ मक्का अरब पौराणिक कथाओं की मुख्य देवियाँ थीं। ये देवियाँ थीं अल लात, मनात और अल उज्जा। इन तीनों देवियों का मंदिर मक्का के आसपास ही स्थित था और तीनों के मक्का के भीतर भी पूजा होती थी। अरब के लोग इन तीनों देवियों की पूजा करते थे। वैसे इन तीनों देवियों को लेकर पहले से एक वीडियो इस चैनल में आप देख सकते हैं। तब अरब क्षेत्र में कई जनजातियां रहती थीं, जिनके अपने अपने कबीले थे। कबीले कहे जाने वाले लोग पारिवारिक समूह में रहते थे और इन्होंने बड़ी बड़ी इकाइयों का गठन किया था, जिसने अरब प्रायद्वीप पर कठिन जीवन परिस्थितियों में जीना सीख लिया था। यहाँ मुख्य तौर पर दो जनजातियाँ रहती थीं, बेडोइन और नबातियन। लगभग 37 से 100 ईस्वी में बेडोइन मुख्यतः रेगिस्तान में रहने वाला अरब जातीय समूह था, जो पारंपरिक रूप से जनजातियों या कुलों में विभाजित था, जबकि नबातियन एक प्राचीन सेमिटिक
लोग का समूह था जो उत्तर अरब में रहते थे। बेडुइन जनजातियाँ खानाबदोश पशुपालक थी जो मांस, दूध, पनीर, रक्त, फर, ऊन और अन्य जीविका के लिए बकरियों, भेड़ों, ऊँटों के झुंडों पर निर्भर थे। इस्लाम पूर्व बेडुइन लोग शिकार भी करते थे, अंग रक्षक के रूप में काम करते थे, कारवां की सुरक्षा करते थे, भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करते थे तथा पशु, महिलाओं, सोने, कपड़े और अन्य विलासिता की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यापार या छापे भी मारते थे। अरब जनजातियाँ 200 ईस्वी के आसपास दक्षिणी सीरियाई रेगिस्तान और दक्षिणी जॉर्डन में दिखाई देने लगी थी, लेकिन 630 ईस्वी में इस्लाम के उदय के बाद वे मध्य अरब प्रायद्वीप से फैलती चली गई। बहुदेववादी बेडुइन कबीले रिश्तेदारी से संबंधित समूहों पर जोर देते थे। एक परिवार से जुड़े लोग एक जनजाति का गठन करते थे, लेकिन एक जनजाति दूसरे कबीले के सदस्य को अपने साथ ले सकती थी और उसे पारिवारिक दर्जा दे सकती थी। समाज प्रतिसत्तात्मक था जिसमें उत्तराधिकार पुरुष वंश के माध्यम से आगे बढ़ता था। विभिन्न कबीलों के बीच इतनी दुश्मनी थी कि अपने कबीले के सदस्य की मृत्यु का प्रतिशोध मौत से लिया जाता था। बेडुइन के बीच जनजातियों के बीच युद्ध आम बात थी। उनके पारंपरिक कविता, संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रथाएं भी प्रचलन में थी। इस्लाम आने के बाद अरब में क्या बदलाव आया, इस बारे में अगली वीडियो जो आएंगी उनमें बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरीके के इतिहास की घटनाओं को लेकर आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।